बेहतरीन डिजाइन है ना, भाव बढ़ते जा रहा दिन ब दिन ना। अदरक लहसुन का भाव बहुत बढ़ रहा है, 80 रुपया पाव है लहसुन, 80 रुपया पाव। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई और हमारा नाश्ता भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हम लोग जरा कुर्ला मार्केट, घर का जो सामान है डेली का जो पकाने का है वो खत्म हो चुका है, खत्म होते रहता है जैसे टमाटर है, मसाला है, अदरक लहसुन है, सब खत्म हो गया। वो लाऊंगी अदरक लहसुन पीसूंगी, जब तो आप लोगों को रेसिपी बना के बताऊंगी। और घर की कहानी, कभी टमाटर खत्म, कभी कांदा खत्म, कभी बटाटा खत्म। नहीं, कांदा बटाटा तो भरा लिए थे ना, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो सामान है वो लेती हूँ, चलती कुर्ला मार्केट। और वैसे भी सैफान की भी छुट्टी है, तो सैफान भी घर में, तो उसका टेंशन नहीं है मुझे स्कूल जाने का, तैयार करने का। तो देखो वहाँ बैठा है, मैजिक बॉल खेलते बैठा है। बड़े हो जाएंगे। कल से लाके ना वो पानी में डाला है और लेकर पूरा घूम रहा है, सबको दिखा रहा है। बड़े होगी ना, बड़े होते ना वो, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। तो फिर अभी सैफान की भी छुट्टी घर में ही है, तो फिर मैं जाके आती हूँ मार्केट, मार्केट से आके आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ रेसिपी वगैरह। आज क्या बनने वाला है देखना रेसिपी में क्या बनेगा इंशाल्लाह। हाँ, अभी तक तो कुछ डिसाइड भी नहीं कर रही हूँ क्या बनाऊंगी, अभी लेकर आती हूँ बाजार से, जो लाऊंगी वो बना के बता दूंगी आप लोगों को। सैफान देखो कहाँ बैठा है गाड़ी पर, लेके नहीं जाने का बाजार, फिर भी जाके एडवांस में बैठा के मैं भी चलूंगा बाजार में। नहीं, उसको नहीं लेकर जाना है, सामान कैसा लेंगे तो सामान कैसा पकड़ेंगे हम लोग। नहीं, सैफान को नहीं लेकर जाएंगे हम लोग, है ना सैफान? छुट्टी है तो घर में रहोगे तुम, बाहर घूमने जाते, छुट्टी रहेंगी तो बोला बाहर घूमने जाते। पहुंच चुके हैं कुर्ला मार्केट, आइए अंदर चल के लेते हैं, भाजी वाजी लेना है। चलो फिर चलते, चोर गाड़ी आई आ गया, तभी तो भाग रहे थे सब, भाजी वाजी लेके भागम भागी चालू की। हाँ ये देखो सब चोर गाड़ी आ गई भाई, इतना सर पे ले खड़ा है गाड़ी, सब गाड़ी भर ले, भागम भागी चालू की चोर गाड़ी। ये देखो चोर गाड़ी आई, चोर गाड़ी। सोफे का कवर, कवर लेने का है ना, बनाना है, कवर बनवाना है, तो लेने आई हूँ कपड़ा। यहाँ पे अच्छा मिलता है, सस्ता ही मिल जाता है, 100-150 रुपये मीटर मिलता है, जैसा लेंगे। कुड़ी के अच्छे कवर चाहिए, कर दे रही है कॉटन, चादर है ना, चादर है, चादर 500-600 300 लाइट कलर है, तीन सौ रुपया 300 डबल बेड, इसमें तकिया कवर भी है ना अंदर, कवर भी आते तो 450 अच्छे डिजाइन भी है ना। ठीक है, 450 का बेहतरीन डिजाइन है ना। क्या रेंज है? 400 रुपया कुर्ती। लेना शुरू कर दिया लहसुन भी, क्या भाव बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन ना? अदरक लहसुन का भाव बहुत बढ़ रहा है, 80 रुपया पाव है लहसुन, 80 रुपया पाव। कांदा भाजी, पालक भाजी, मेथी की भाजी, कांदा
टमाटर, मिर्ची का भंडार। कैसा मिर्ची? 30 रुपया। सही है, 30 रुपया के टमाटर। 30 40 वाला टमाटर 30 रुपया। आज म्यूनसिपाली गाड़ी भी आई है ना, वो क्या सब खड़ी यहाँ पे, आज वहाँ भी खड़ी है एक गाड़ी, वहाँ खड़ी है। हाँ हाँ सही बात है। ये देखो गाड़ी नीचे लगा थी, कबूतर लोग ने फिर यहाँ पे गाड़ी गंदी कर दी है। हाँ अफरीन अफरीन, गाड़ी फिर गंदी कर दी कबूतर ने। हाँ नीचे लगा दे, गंदे कर देते। कैसा बटाना? 40 रुपये। सही है सही है, एक नंबर बटाना। 40 रुपये किलो बटाना। चल अभी चलते घर पे ना। हाँ बोला गन्ने का जूस आते थे लेके आने मेरे लिए। आ गए हम लोग मार्केट जाके, यही सब देखो लेना था मुझे। टमाटर खत्म हो गए थे ना, और अदरक लहसुन तो मेन है रेसिपी में, लगता है पकाने के लिए डेली लगता है अदरक लहसुन, तो वही लेने गई थी। और बहुत महंगा हो गया लहसुन, 80 रुपये पाव किलो। छिला वाला लो या बिना छिला लो, 80 रुपये पाव। अरे जो जरूरत की चीज है वो तो हमेशा लगती है, उसको लेना है महंगा या सस्ता है। ठीक है ना, अभी ये देखो हमारे दादा भी जूस मंगाया तो जूस पीते बैठा है गन्ने का। हाँ तो अभी आई हूँ मार्केट जाके, अभी मेरे शौहर को खाना वाना खिला के उनको बुटीक पे भेज देती हूँ। मैं भी नहा धो के फ्रेश होती हूँ। बाजार से ना एक गड्डी ये भाजी ले ली थी कांदे की, क्योंकि मेरे शौहर को अच्छी लगती है ना ये भाजी। कांदा भाजी है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ वो और मैं ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते ये भाजी। भाजी खाना चाहिए मगर उन लोगों को भाजी नहीं पसंद है, चिकन बनाऊंगी तो खाते। तो भाजी तो मेरे और इनके ही लिए है। अभी तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। इस ये भाजी को ना मैं सादी बनाती हूँ, मिर्ची लहसुन डाल के। और वो जल्दी बन जाती है? जल्दी बन जाती है, और इसमें और भी चीज़ें डाल के बनाई जाती है, जैसे कि सूखे बोंबिल है और झींगा वगैरह, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी बना के। तो आ गई हूँ अभी मैं किचन में, सब काम हो गया मेरा। मेरे शौहर को भी खाना खिला के उनको बुटीक पे भेज दी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था ना, तो मार्केट गए थे तो लेट हो जाता है, तो वो खाना खाकर अपना चले गए। उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में अपनी रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली। हाँ चिकन चिल्ली बना रही हूँ, क्योंकि रोटी भाजी दाल चावल तो बन गया है, साथ में बच्चों को चिकन खाना था, तो मैं चिकन चिल्ली बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को दे देती हूँ। आइए देख, चिकन चिल्ली बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ 500 ग्राम, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। अब इसमें सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेते। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच हम विनेगर। अब इसमें डालेंगे हम 1 अंडा। बिस्मिल्लाह। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को फूड कलर नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते, स्किप कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि चिकन जब फ्राई करते हैं तो रेड रेड फ्राई होता है तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और खाने में दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं ये 1/2 चम्मच डाल रही हूँ ऑरेंज रेड फूड कलर। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, मसाले सब चिकन में लगा देंगे। अब चिकन को मैंने मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ चिकन में। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून मैदे का आटा। देखिए 2 टेबल स्पून मैदा डाल दी मैंने। अब उसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये
ये देखिए कॉर्नफ्लावर भी मैंने डाल दी 2 टेबल स्पून। अब आटा डालकर भी हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और चिकन में ना पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस चिकन को अच्छी तरह से एग वगैरह में आटा मिक्स कर लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखो मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो गया चिकन में आटा। अब क्या करेंगे, इसे रख देंगे हम अच्छी तरह से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा चिकन। उसके बाद मैं आगे के आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया हमारा चिकन। या दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दी हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, तेल भी गर्म हो गया है। चलिए अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे इस चिकन को। एक बार इसको मिला लेंगे हाथों से और फिर इसको एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे, दोनों साइड से अच्छा कलर आ जाए वहाँ तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। चलिए अभी इसे हम बाहर निकाल लेते, देख सकते हैं आप लोग। देखिए माशाल्लाह ये चिकन फ्राई हो चुका है। अभी इसे रखते हैं साइड में और बाकी जो बचा है चिकन वो भी फ्राई कर लेते। चलिए फिर सारा चिकन फ्राई करके फिर आप लोगों से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चिकन जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो इस कढ़ाई में हमने चिकन फ्राई करे थे ना, और तेल मैंने पूरा निकाल ली हूँ, सिर्फ 2 चम्मच तेल इसमें बाकी रखेंगे। सबसे पहले हम सॉस की तैयारी करके एक कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के विनेगर। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस। अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के टमाटो केचप। केचप डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन चिल्ली में, तो मैं 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। अब इन सब सॉस को मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ दूसरी कटोरी में मैंने ली हूँ 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। अब इसमें डालेंगे हम पानी, 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो ये कॉर्नफ्लावर का घोल भी मैंने बना ली हूँ, इसको भी हम साइड में रख देंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने देखो 10 से 12 कली लहसुन की बारीक चॉप कर ली हूँ। ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ये भी बारीक चॉप कर ली हूँ। और 3 हरी मिर्च ये भी बारीक चॉप कर ली हूँ। मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं 3 ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे ना इसीलिए। सबसे पहले हम डालेंगे तेल में लहसुन। बिस्मिल्लाह, ये एक 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसमें डालेंगे हम अदरक और हरी मिर्च, ये भी डाल देंगे इसमें। बस 1 सेकेंड इसको अच्छे से भून लेंगे, अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चापन खत्म होने का। तो यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्ची देखो अच्छी तरह से भून चुके। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज इस तरह से कटी हुई और 1 शिमला मिर्च, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और इन प्याज और शिमला मिर्ची को भी हम 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे इसी तेल में। तो 5 मिनट तक मैंने इसको भी फ्राई कर ली हूँ इन सब्जियों को। अब इसमें हम डालेंगे ये सॉस जो हमने तैयार करके रखे हैं ना, ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह।
अच्छी तरह से साफ करके डाल देंगे। इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएगा ये कॉर्नफ्लावर जो घोल बना के रखे हैं ना, ये हम डाल देंगे सॉसेस में। और इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 मिनट तक पकने देंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 से भी 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, नमक ज़रा कम ही डालना। चलिए तो अब ये सब मसालों को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये जो चिकन फ्राई करके रखे ये भी डाल देंगे हम इसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसको चिकन को मसाले में मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पर आप लोगों को ड्राई करना है तो ड्राई रख सकते हैं, अगर थोड़ा इसको पतला करना है तो पानी डाल के थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह से रखूँगी ड्राई। देखिए अब 1 मिनट पकाएंगे इसको चिकन डालने के बाद। अब इस चिकन चिल्ली के अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच शहद। शहद डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मैं तो हमेशा डालती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं, पर शहद डालना ज़रूर तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है शहद डालने से। तो ये देखिए शहद डाल के भी मैंने इसको मिक्स कर दी हूँ। तो ये हमारा चिकन चिल्ली हो गया रेडी। इस पे से डालेंगे हम थोड़ी सी कोथमीर। मेरे पास हरी प्याज नहीं है इसलिए मैं कोथमीर डाल रही हूँ। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और चिकन चिल्ली को करेंगे डिश आउट। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली। बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को घर में बनाना बताई हूँ, आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। चलिए इसे डिश आउट करते। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने डिश आउट कर दी हूँ। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर। मैं कोथमीर डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास हरी पत्ते की प्याज है तो वो भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन। मेरे पास नहीं थी तो मैं प्याज ये कोथमीर डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन चिल्ली बन के रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को बड़ों को सबको खिलाइए, बहुत पसंद आती है। अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं दावतों पर। बहुत ही जल्दी और बहुत इजी तरीके से बन जाती है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगती है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी चिकन चिल्ली की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर चलो खाते हैं, खा के भी दिखाती हूँ। देखो सैफान और मैं बैठ गए चिकन चिल्ली खाने के लिए। सैफान से रहा नहीं जा रहा है, बोलता मम्मा जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ये देखो गरम गरम है, गरम है हाँ। कैसा लग रहा है? मसाला बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं खाऊंगी शिमला मिर्च प्याज सब लगा के। ये देखिए खाने को माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनाया माशाल्लाह। आप लोग भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करना। रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे जब घर में इस तरह से चिकन चिल्ली बनाएंगे। ये तो मैं ड्राई बनाई हूँ, और आप लोगों को थोड़ा पतला चाहिए तो पानी डाल के पतली ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं ड्राई बहुत अच्छा लगता है खाने में स्टार्टर के जैसा। तो चलो खा के मिलते। तो अभी बैठ गई हूँ, सब काम हो गया मेरा, खाना भी हो गया, रेसिपी बन गई। अब मुझे जाके फुर्सत मिली है तो जा रही हूँ अदरक लहसुन जो है वो साफ करके पीसने के लिए। फिर सुबह में मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो ये मैंने 1/2 किलो अदरक और 1/2 किलो छिला हुआ लहसुन ली थी। तो दोनों पीस के मैं काट के मैं पीस लेती हूँ, कुछ नहीं डालती हूँ अदरक लहसुन में, सिर्फ पानी डाल के इसको
पेस्ट बना के रख देती हूँ डब्बे में भर के। और मुझे एक महीना चलता है, एक किलो अदरक लहसुन है ना, एक महीना चल जाता है। रोज़ रोज़ डेली पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पिसा हुआ रहता है तो। मटन में चिकन में तो डेली लगता ही है अदरक लहसुन, ये तो ज़रूरी है। ये मैं हमेशा लाती हूँ, एक साथ पीस के रख देती हूँ। और आप लोग पूछे भी थे कि आपा कैसा पीसते, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको पीसने के लिए मैं कुछ और नहीं डालती हूँ। इसको काट के लहसुन अदरक में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस के पेस्ट बना के डब्बे में भर के रख देती हूँ। बहुत अच्छा है, एक महीना भर चल जाता है मुझे। तो यही अभी करते बैठी हूँ, देखो काम तो सब हो गया, तो सोची चलो अभी ये करके फिर वीडियो भी एंड कर देती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरा दिन भर का रूटीन और मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाना, ठीक है। चलो अभी एंड करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। और सैफान आओ, देखो सैफान आके बोलेगा। और अम्मी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी अम्मी के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, मेरी अम्मी के इंस्टाग्राम मैं हाँ। चलो फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।